कंगना रनौत ने एक बार फिर साधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर निशाना। बीएमसी द्वारा डेमोलिश किए गए अपने बंगलों की तस्वीरें शेयर कर किया पोस्ट। आखिर क्या कहना है कंगना रनौत का, आइए जानते हैं। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच मतभेद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के बंगले और ऑफिस में तोड़फोड़ की है, तब से ही बॉलीवुड की एक क्वीन शिवसेना पर निशाना साध रही है। नवरात्रि के मौके पर भी कंगना रनौत ने शिवसेना को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और दशहरे के दिन भी महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उनका मुंबई वाला ऑफिस और घर फूलों से सजा हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, मेरा टूटा हुआ सपना आज तुम्हारे मुंह के सामने मुस्कुरा रहा है संजय राउत। पप्पू सेना मेरा घर तोड़ सकती है लेकिन मेरी हिम्मत को नहीं। बंगला नंबर 5 आज बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा है। हैप्पी दशहरा। वेल, कंगना के इस ट्वीट के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी दिया अपना रिएक्शन। डालिए उन कमेंट्स पर एक नज़र। कंगना रनौत का ये बयान इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड की इस अदाकारा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। उनकी शिवसेना के साथ जंग काफी लंबी चलने वाली है। वही बता दें कि बीते कुछ दिनों में कंगना रनौत के ऊपर अलग अलग मामलों में 3 FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। कंगना रनौत पर देशद्रोही, कोर्ट की अवमानना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल कंगना के इस ट्वीट पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।